राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इलाके में किसान परेशान है। ऐसे में अधिकारी किसानों की उपज को कचरा करार दे रहे हैं। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, किसानों से दुष्व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजपूत ने किसानों से अभद्रता करने वाले जैसी नगर नायब तहसीलदार को हटवा दिया है। जैसी नगर में ठंड से खराब हुए गेहूं की फसल का सर्वे करने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे किसानों के साथ अभद्रता करने वाले नायब तहसीलदार को हटा दिया गया है। सोमवार को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जैसी नगर नायब तहसीलदार LP अहिरवार द्वारा फसल सर्वे की मांग को लेकर आए किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इस मामले में अपनी किरकिरी होती देख मंत्री गोविंद राजपूत ने तत्काल नायब तहसीलदार को हटाने के निर्देश सागर कलेक्टर दीपक सिंह को दिए। मंत्री राजपूत का कहना है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, कोई भी कर्मचारी अधिकारी किसानों के साथ गलत आचरण, अभद्रता या दुर्व्यवहार करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान अपने तुसार की फसल को लेकर तहसीलदार को दिखाने के लिए गए थे, मुआवजे की मांग कर रहे थे और थोड़ा धक्का भी दिया है और ये कहा है कि यह कचरा मत फैलाओ, कचरा कहाँ से लेकर आ गए। मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार करने का, असम्मान करने का किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अधिकार नहीं है। उसका मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जहाँ तक किसानों की बात है, किसान हमारा अन्नदाता है और किसानों की बात सुनना चाहिए। किसान अगर परेशान है तो उसके साथ में संवेदना व्यक्त करना चाहिए। और ये सब जो शिकायत जैसी जगह से आई है, मैंने कलेक्टर सागर को निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से तहसीलदार को जैसी जगह से हटाया जाए और जैसी नगर से तहसीलदार को हटा दिया गया है। आगे भी कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी किसानों के साथ हो, आम व्यक्तियों के साथ हो, गलत दुर्व्यवहार करेगा तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार है, किसी के लिए भी इस प्रकार के दुर्व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सख्त कार्रवाई की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।